न्यूज के प्रायोजक है द नेचर प्राइड रिजॉर्ट। रेन डांस, स्विमिंग, लॉजिंग, डाइनिंग, ये सब सुविधा द नेचर प्राइड रिजॉर्ट रावणवाड़ी में। जैसे जैसे भंडारा जिले में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है एवं जनवरी के पहले 11 दिन में ही एक्टिव पेशेंट का आंकड़ा 254 तक पहुँच चुका है, अगर बढ़ोतरी का ग्राफ इसी तर्ज पर बढ़ता रहा तो जनवरी अंत तक जिले में पेशेंट संख्या 700 पार हो जाएगी। ऐसे में जिला प्रशासन अभी से सभी स्तर पर सतर्कता बढ़ा दी है एवं अधिकारों को विकेंद्रीकरण कर स्थानीय पर कार्यरत अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का अधिकार देने के संबंध में आदेश जारी किया है। निवासी उप जिलाधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण महेश पाटिल के अनुसार कोरोना प्रभावित क्षेत्र में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करना अनिवार्य हो चुका है। इस दृष्टि से स्थानीय स्तर पर आदेश जारी होने की स्थिति में तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना संभव हो सकेगा। जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक क्षेत्र एवं कंटेनमेंट जोन निश्चित करने एवं इस संबंध में आदेश जारी करने का अधिकार शहरी क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के नगर परिषद एवं नगर पंचायत के मुख्याधिकारी को प्रदान किया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह अधिकार उपविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि भंडारा जिले में भंडारा, पौनी एवं तुमसर में नगर परिषद है, जबकि शेष सभी तहसीलों में नगर पंचायत है, जिसमें मोहाड़ी, साकोली, लाखांदूर, लाखनी का समावेश होता है। इन सभी तहसील स्थानों में नगर परिषद या नगर पंचायत के मुख्याधिकारी कंटेनमेंट जोन निश्चित करने एवं आदेश जारी कर सकेंगे। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।